गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सॉफ्ट इजी मेकअप लुक। इसमें मैंने बहुत सॉफ्ट और इजी मेकअप किया है और ये आप किसी भी शादी पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को CTM किया था, ये मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले हम अपनी ब्राउज को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश। यहाँ पे मैंने कोई भी ब्लैक आईलाइनर, जेल आईलाइनर नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने आई शेडो की हेल्प से ही अपनी ब्राउज को फिल किया है और मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है। बेटर रहेगा आप ब्लैक कलर ना लें, ब्राउन कलर लें, इससे आपकी जो आईब्रोज है वो एकदम नेचुरल लगती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई बेस के लिए लोटस का कंसीलर लिया है एज अ आई बेस। यहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं वो एकदम इन्हेंस होके आता है और अच्छा दिखाई देता है। उसको फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर लेंगे, देन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। देन यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के साइड में अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है और तब तक ब्लेंड करना है जब तक कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे। मतलब कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए और अच्छे से सॉफ्ट एकदम ब्लेंड होना चाहिए। सेकंड आई पे भी आपको सेम करना है। उसके बाद फ्लैट ब्रश के हेल्प से शिमर आई शेडो लेना है और उसको अपनी आई बॉल पे प्लेस करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का लिया है। आप चाहे तो कोई भी लाइट कलर का शिमर वाला आई शेडो आप ले सकते हैं। तो दोनों आँखों पे आपको सेम अप्लाई करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ब्राउ बोन एरिया पे हाइलाइटिंग करेंगे। यहाँ पे भी मैंने सेम कलर लिया है जो मैंने अपनी आई बोल पे प्लेस किया था। हल्का सा हाइलाइटर लगाएंगे, देन हम अप्लाई करेंगे लिक्विड आईलाइनर। चाहे तो आप जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जिस तरह से मन करे आप वो आईलाइनर यूज़ करें। यहाँ पे मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है और हल्का सा विंग बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश। देन आई एम यूजिंग मस्कारा। तो यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का मस्कारा है। देन यहाँ पे मैं एमएन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। पहले हम अपने फेस पे डॉट फॉर्म में अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे आपको डॉट डॉट बना लेने हैं। उसके बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे और ध्यान रहे आपका जो ब्लेंडर है वो वेट होना चाहिए एकदम, और डैप डैप करके आपको इस तरह से ब्लेंड करना है, रब नहीं करना है। अगर आप रब करेंगे तो वो आपकी स्किन से हट जाएगा, आपकी स्किन में ऑब्जर्व नहीं होगा। डैप डैप करके ही ऑब्जर्व होता है फाउंडेशन, तो इसलिए ध्यान रहे कभी भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो अप्लाई करते हैं तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर को जो होता है उसको डैप डैप करके ही अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। देन यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग के लिए जो मैंने सेम आई बेस के लिए लगाया था लोटस का कंसीलर, उसी के हेल्प से मैं अपनी हाइलाइटिंग कर रही हूँ टी जोन एरिया पे, अंडर आई, जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग होती है, और उसको फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। डैप डैप करके ही ब्लेंड करना है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था अपने फाउंडेशन को बेक करने के लिए, और यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ये शुगर का है, पैलेट है। यहाँ पर मैं अपनी नोज़ की कंटोरिंग करूँगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कंटोरिंग कर रही हूँ, ये बिल्कुल स्किपेबल है। अगर आप नहीं चाहते कंटोरिंग करना तो आप इसके भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मियोन का सिल्वर कलर का हाइलाइटर है विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश, ठीक है। और इसी की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। देन यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये तो हल्का सा न्यूड शेड है, आप चाहे तो डार्क भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह की आपको शेड पसंद है। लिपस्टिक में मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरा लुक जो कम्प्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, और ये बहुत सिंपल लुक था जैसे कि आपने देखा वीडियो में। अगर आप मेकअप से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप कि लुक आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी भी मेकअप पे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, किसी भी स्किन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।